अस्सलाम वालेकुम। हम स्ट्रीम यार्ड जो एक नई एप्लीकेशन है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे या लिंकडिन पे लाइव सेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम यार्ड ओपन करेंगे, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे वो यहीं से अपना फेसबुक या जीमेल देकर अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सिलसिला ये है कि आप इसे लॉग इन इसे एक दफ़ा जब आप लॉग इन कर लें, इसके दोनों अकाउंट्स होते हैं, पेड भी होते हैं और फ्री अकाउंट भी होते हैं। तो अगर हम इसके अकाउंट की सेटिंग में जाकर इसकी बिलिंग में चले जाएं, सो देन वी कैन सी। जैसे मेरे पास इस वक्त इसका एक प्लान है, ठीक है ना। तो इसका एक प्लान $20 का, अगर पर ईयर आप लें यानी पर मंथ $20 या $25 का दूसरा था, और दूसरा वो पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, पेड और अनपेड अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप यहाँ से डेस्टिनेशन में जाके ऐड डेस्टिनेशन कर सकते हैं जो भी पेज, ग्रुप या प्रोफाइल जिससे आप आना चाहते हैं, लिंक्डइन या यूट्यूब या फेसबुक। जनाब, आप क्रिएट ब्रॉडकास्ट में जब जाएंगे, अगर आपका पेड अकाउंट है $25 पर मंथ वाला, तो आप दो पेजेस या दो स्ट्रीम्स एक वक्त कर सकते हैं, चाहे वो एक यूट्यूब हो या एक फेसबुक हो या दोनों फेसबुक। और अगर फ्री अकाउंट है तो फिर आप सिर्फ एक से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है जो भी आप सेशन करने जा रहे हो, ठीक है ना। लेट्स सपोज ए बी सी हम कर लेते हैं। मैं इस वक्त अगर दो पेजेस से लाइव जाना चाहूँगा, तो ये मैंने एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट किया, अच्छा जनाब। ब्रॉडकास्ट में एंटर होने के बाद यहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ से मैं कोई भी स्क्रीन या टैब शेयर कर सकता हूँ, जो भी स्क्रीन मेरे सामने अगर खुली हुई है मैं उसे या स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ इनवाइट के बटन से लिंक कॉपी करके किसी भी गेस्ट को बुला सकता हूँ। एक वक्त में 6 गेस्ट को मैं यहाँ पर मैनेज जो है ना वो कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि इसके पेड और अनपेड अकाउंट में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये हम आते हैं इधर से ज़्यादा। यहाँ से हम इसके कमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से बैनर्स में आकर हम कोई भी बैनर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बैनर अगर मैं चलाना चाहता हूँ तो ये स्टिल बैनर है, और अगर मैं इसे टिकर पे चलाना चाहता हूँ तो वो ऐसे भी चलता आएगा। तो मुझे क्रिएट बैनर पे जाना, जो भी टेक्स्ट मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे वो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये पट्टी की तरह चलता हुआ जाएगा, और अगर मैं इसे सिंपल ऐसे रखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ठीक है जनाब। और अगर स्क्रॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसे स्क्रॉल भी कर सकता हूँ। अच्छा, फिर हम आते हैं इसकी ब्रांडिंग की तरफ। इसकी ब्रांडिंग में जब हम आएंगे तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे ब्लू कलर सूट करता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है, वरना आप कोई भी कलर यहाँ रख सकते हैं। यहाँ आप लोगो यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मेरा लोगो है, तो अगर मैं किसी इदारे के लिए कर रहा हूँ तो मैं उनका लोगो भी यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आपका अनपेड अकाउंट है तो यहाँ पर स्ट्रीम यार्ड का लोगो शो हो रहा होगा। अच्छा जनाब, फिर हम आते हैं नीचे। ये ओवरलेज हैं, जो भी आप बनाना चाहें, जैसे अभी आदम जी की ओवरले लगी हुई है, आप इधर कोई भी और ओवरले जो है ना वो अपलोड करके लगा सकते हैं। ओवरले से मुराद कोई भी मैसेज जो आप देना चाहते हैं, ठीक है ना, या पूरी पिक्चर भी आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे ये आज हमारा सेशन हुआ था, तो हम ये सेशन के लिए भी लगा सकते हैं जनाब। उसके बाद इसमें बैकग्राउंड कलर भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। प्राइवेट चैट में अगर जो लोग लाइव सेशन कर रहे हैं और वो एक दूसरे से कोई प्राइवेट चैट करना चाह रहे हैं, तो वो इसमें शेयर कर सकते हैं। देन आप सेटिंग में जाएँ, यहाँ पे आप अपने कैमरे की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा हाई डेफिनेशन पे क्वालिटी डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आपके इंटरनेट का इशू है। स्पीकर्स आप देख सकते हैं कि आप हेडफोन से हैं या जो है आप डायरेक्ट पीसी से हैं। ग्रीन स्क्रीन के लिए ये होता है कि आपको पहले जो है ना वो अपने बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन लगानी होगी, और जो है ना वो लाइटिंग उसके लिए प्रॉपर होनी चाहिए। तो आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे इस वक्त मेरा बैकग्राउंड ये है बुक्स, तो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, और इसकी जगह जो है ना वो आप जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इस स्ट्रीम यार्ड को यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके स्ट्रीम यार्ड को पेड वर्जन और अनपेड वर्जन दोनों यूज़ भी कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप स्ट्रीम यार्ड से अर्निंग करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका। अच्छा, व्हाट व्हाई पीपल आर यूजिंग स्ट्रीम यार्ड, डायरेक्ट फेसबुक से लाइव क्यों नहीं कर रहे? पहले तो फेसबुक के लाइव में ये ऑप्शन नहीं था कि आप गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं अपनी वीडियो में। अब चूंकि वो ऑप्शन आ भी गया, लेकिन स्टिल ये सारे ऑप्शंस उसमें नहीं है जो मैंने अभी यहाँ से आपको शो किया। इतनी ब्रांडिंग फेसबुक पे अभी भी नहीं होती, ठीक है। और यहाँ से आप गो लाइव पे जैसे क्लिक करेंगे, यू कैन गो लाइव। और आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं इस पर, अगर आप कोई रेगुलर शो करें, ठीक है ना। मैं कोई स्पॉन्सर शो फिलहाल नहीं कर रहा, ये मेरी और आदम जी की कोचिंग सेंटर आयशा मंजिल कैंपस की, हम दोनों की जो है ना वो अभी आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों इस
इन शोज को जो है ना वो रन कर रहे हैं। अदरवाइज आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो है ना वो अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे कोई शो करें और उसमें अच्छे गेस्ट को बुलाएं और आपको एक अच्छी रीच मिल जाए, देन यू कैन आस्क फॉर स्पॉन्सरशिप, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और आपको वो पे करें और आपके शो में या तो आप उन्हें एज अ गेस्ट इन्वाइट करें या फिर आप उनके ब्रांड की यहाँ प्रमोशन करें, तो इसके ज़रिए आप अपनी अर्निंग भी उससे कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लिंक में जो है ना आपको स्ट्रीम यार्ड का सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप स्ट्रीम यार्ड को चेक कर सकते हैं। जजाक अल्लाह।